बजाता धनेश, तू जोन बजावत हुआ हम तोरे मानसिकता के समझत है। ये न आजकल कौनो मंच बाकी ना हो, लेडीज कलाकार जोन निकलल है निकलत है, गौले पर कम नचले पर ज्यादा ध्यान। लेकिन एक बात बताई, हम बताओ थे कि तनी हमरो केहू देखो और तनी ये ढंग से वीडियो बनाई हम अपनी मोबाइल में, वीडियो बनाई हम अपनी मोबाइल में, नाचा हो चिरैया रवि जी के स्टाइल में, नाचा हो चिरैया रवि। तनी ऐसे कर नाच के दिखा दे लोगन, हमारी मती। हाँ हाँ, तो हम तो कहते हैं कि हमारी मती नाच के तन से दिखा दे लोगन, बहुत नाचते हैं लोगन। तो एक प्रसंग देने जा रहा हूं, सुनने वाले साथी सज्जन आप सबका स्वागत करता हूं। सात सरगम अमरनाथ प्रजापति के माध्यम से तमाम तमाम बिरहा आप लोग हमारी आवाज में सुने, सम्मान दिए, प्यार दिए। एक और प्रसंग देने जा रहा हूं, पारिवारिक प्रसंग। खिले गुलशन भौरा लो भाई गया, सूखे पतझड़ में कोई दिखाता नहीं, पैसा जब तक रहे दोस्ती चले शान से, पैसा खत्म तो कोई पास आता नहीं। लोग कहला कि चलती का नाव गाड़ी, जन पर सूरत मोहन सोहन भ्राता रहे, दो बहन पाके घर मानो गुलजार है, दोनों भाई जब अपनी सगाई किए, भाई भाई में घटने लगा प्यार है। गरीब परिवार, सामाजिक परिवार, सम्मानित परिवार। बड़े भाई का नाम मोहन, छोटे भाई का नाम सोहन, दूठे बहिन, बड़ा नीक बीतत है। लेकिन जब दोनों भाई आपन अपन ब्याह कैले, बड़का भैया के दुल्हन पहले आई, छोटका भाई के दुल्हन बाद में आई, लेकिन दुल्हनियन के अवतय ये परिवार में केहू का नजर लग गई। आ जब नजर लग गई हो भैया, एक ठीक गजल का नमूना देवे के पड़ल। अरे दिल चाहे ताहे या पुकार, दिल चाहे ताहे या पुकार, दरबार देख लूं, दरबार देख चाहता है।
पार पार देख लू एक बार नहीं मालिक सौ सौ बार देख लू पार देख लू ये फरियाद है किसी सच्चे सेवक की। लेकिन बिरहा के भाव में जरा सा गौर करेंगे। अरे सोचो तो सबके घर किए, सोचो तो सबके घर किए शान है बहन, शान है बहन। सोचो तो सबके घर की शान है बहन, सोचो तो सबके घर की शान है बहन, सोचो तो सबके घर की शान है बहन। मैं के लिए दो दिन की में मान है बहन, के लिए दो दिन की में मैं किसी की बहन बेटी हो शादी होने के बाद मेरे दोस्त वो बेटी नहीं बल्कि अपने नैहर के लिए मैके के लिए मेहमान के रूप में हो जाती है। आय है पैदा भैली माई की हाँ लेकिन मेहमान हो गई नहीं फिर सयान भैले पर। एजन से बिरहा की स्टोरी का शुरुआत है धनेश। छोटे भाई सोहन की बीबी न चिंगारी थी, सोहन नौकरी करता यो करती खातिरदारी थी। कहीं सोहन से अलगा हो के दिन बिताओगे, नहीं तो इसी तरह सदा ठोकर खाओगे। औरत की बात सुन सोहन तब गौर लाया है, अलग होने के लिए पंचों को बुलाया है। मैंने बताया न कि तब तक ठीक रहल, लेकिन जब दोनों भाई अपन अपन ब्याह कैले दुल्हन अली परिवार में नजर लग गई। आय है परिवार में नजर लग गई सोहन का दुल्हन छोटकी जोन बा। सोहन नौकरी करत हुए आज जिले पर नौकरी करत हुए, जब भी घरे आवे तो तनी सा रेंच लेके ऐंठ दे, चूड़ी ऐंठ दे, कलश की कमात हुआ और कुल कमाई तुहार नजायज बड़का भैया होकर फायदा उठावत हुआ। काहे नहीं अलगे हो जात हुआ, का जरूरत है। आय है ये बात सोहन जब सुने, सुनत सुनत सोहनों के आखिरकार मोटरी जोन बा बनहल खुल गई प्रेम वाली। आज जब गढ़ू होखे लगल तो देखबा सोहन अपने गांव के लोगन के बोलौले बोला कि वो एक बात कहे लगना तर्ज लगल है जन। गजब का प्रेम होला हो, ए बहादुर जवानी सबकर बाउर होले। कोनो दुल्ही के दुल्हा परदेश हो, अब परदेश में हो दुल्हनिया बर्दाश्त ना कैले जब पुरुआ चले। आय हाय 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 शरीरिया का हर एक नसिया मरमराए, ना बर्दाश्त कैले तो अपने जोड़ी पाड़ी के अपने से कम उम्र के अपने ननद से एक ठे बात कहलस कि कही याले यही है तोहार पिरना। ना बर्दाश्त भेल कही याले यही है तोहार पिरना, भौजैया पूछली ननदिया से, अच्छा तो पारिवारिक मैटर है, वो अपन समझे बुझे सब, ननद बुझे भौजाई बुझे। लेकिन कहे मोहन बन के रह मलिकार पिरना, कहे मोहन बन के रह मलिकार पिरना, हम समय गुजार खेती भरिया में, हम समय गुजार खेती। गांव के पंच जब लोग झूठ गई ले तो बीच में कल भैया सोहन काहे बदे बोलौला है,
सोहन कहले कि अब हम अलगे रहब, हमन का बाट बखरा लग जाए। सोहन का बात सुन के मोहन खड़ा हो गए, कहले कि ना ऐसा मत करा, माई के स्नेह में माई के दूध में बंटवारा मत करा। सोहन से आगे आगे बोलल गुजरिया, खेत खरिहान बाटा घरवा बखरिया। कहलक खेत खरिहान घर दुआर अब कुल बटाई, बखरा के बात मत करा। माई मर गईली, बाबू मर गईले, अब ना न हुए, अब आधा आधा कुल में बांट दा खेत खरिहान, अब एक में रहबे न करी, तू करबा कैसे। लेकिन भैया हो, वही बीच में एक बात और कहले, देवन्ना नदी में गोटी डलवाय सजना, देवन्ना नदी में गोटी डलवाय सजना, हम समय गुजारब खेती बरिया में, हम समय। कहला कि सब बटा जाई, दूठे बहिन है आगे केहू पंच में से खड़ा होके। कहला सोहन बहिनिया बही ब्याहल ना है, उनके विषय में का सोचत हुआ। तब तक औरतिया सोहन का बोल पड़ल, केरे भाई दूठे हैं, तीन ठे रहती तो दिक्कत हो, जब दूठे हैं तो एक ठे वो हर एक ठे ये हर। आय हाय पंच दांते तले अंगुली दबा दिला, कलश की हमहन घर द्वार खेती गृहस्थी कुल बांट दहल जाई, लेकिन हमहन वो लड़किन में गोटी कैसे डालल जाए, हमहन लड़किन में हिस्सा कैसे लगावल जाई। बोल पड़ल, जब बोल पड़ल तर्ज लगल, कौनो नौजवान परदेशे से घरे आयल हो, आ घर में दो चार दिन बीतल, दुल्हिन इंतजार करती रह गई, ले भाई नाराज तना न हुए। एक दिन खाना खियलो से बैठल है इंतजार में हो, आ जब ही मेहररुआ हो लॉकडाउन में मान ला, आ जब ही चले के तैयारी कैले, तबले फेटहर के धैल लेलस, बाई में हो। हाँ बाई में हो, कमाए के अला बड़का हुंडी, का करबा खरिहनवे में रोज रहबा। उ कहलस का सैया जिन जा तू सुत पलानी में, सैया जिन जा तू सुत पलानी में, अगिया लागल बहमरी जवानी में, अगिया लागल। आखिरकार मजबूरी में देखें पंच या बही बोल ही के हाँ। कलश की तो हम लोग कुल फैसला कर लेला न, तो ई फैसला हम कह देते हैं। गईल छोटकी ननदिया का हाथ पकड़लस, कलश की छोटी हुई हमारी कोर रही, बड़की जो नहीं तुम बड़का की तरफ रही है। आय हाय, आखिरकार लाचार पंच कुछ बोल न पौले, न मोहन बोल पौले, न सोहन बोल पौले। लेकिन भैया हो, दोनों बहिन एक छोट भाई कोर एक बड़ भाई कोर, तो छोटका तो गहा गड में बा, भाई नौकरी करत हो के का दिक्कत है, लेकिन बड़का का हालात दयनीय है भैया। दिनमा बीतत बमोर परेशानी में, दिनमा बीतत बमोर परेशानी, जनी रोवा ये दुल्ही चुल्हानी में, जिनी रोवा। ए जून का रोटी जुड़े तो वो जून का ना, वो जून का जुड़े तो ए जून का ना। दुल्हिन मोहन के आड़े मुँह छिपा छिपा के रोवे कि हमहन तो हमहन दुठे बच्चा हुए, वही संगे ननद बा कैल का जा। अरे पूरी मिठाई वह वरा महकत बा, अब भैली भिखारी हम वह वरे चहक बा, बहिनी रखले कदम बा जवानी में, बहिनी रखले, बहिनी रखले कदम बा जवानी, जनी रोवा ये दुल्ही चुल्हानी में।
देखें धीरे धीरे कुछ दिन बीतल बड़की बहनिया सयान होत बा, चिंता बढ़त जाती है भैया के कि बहनी का शादी कर दें। आ एक दिन उदास बैठल हुए दुआरे आ तबले मरत कमाई, जब माई मरय लगली मोहन सोहन के एगो हंसुली यापन रहे वह निकाल के थमा देली। कहली कि बेटी हाइल्ला हाई मोहन से कहली कि तू घर का गार्जियन हुआ हाई हमारे अमानत ही एक रखला। लेकिन बर्दाश्त ना भल बड़की बहनी के, बड़की बहनी कलस भैया मोहन से कि भैया तू काहे के रोवत हुआ हाई हंसुली माई निशानी में देहले हो ले जाए कि बेच के कुछ लिया हुआ गेहूँ चाउर जो लिया हुआ। आज जब बड़का भाई हंसुली पौले बहनिया कुर्ता के रोवे लगल कहल कि बहनी जैसे हमन दू भाई रह गल वैसे तू दूठे बहिन है। ये हंसुलिया माई कहो ये हंसुलिया में हमरे अधिकार ना है तोहरा अधिकार ना है छोट है न ओहो छोट है ओहो छोट है तो ओहू का अधिकार है। दू चार दस आदमी के तुरंत बोलौले आ बोला के हंसुली सामने बड़का भैया मोहन रख दिल कल पंचो हाई एक ठे चूक हो गई है इस सामान हम बताव ना पौले हैं। पंच कल के रे यार कौने मिजाज का आदमी हुआ एक ठे बचलो सामान रहल तो ओके लिया के सामने रखत हुआ कल ना भैया हम यापन हक चाहे जवन कुछ करें लेकिन बहिन का हक हम न खाई। ते ओकर दाम लोग 1000 रुपया लगौले कल एक आदमी 500 दे के ए हंसुलिया के लेला मोहन के पल्ले 5 रुपया है ये ना 500 कहाँ से दे। छोटका भैया सोहन झट सही उठल 500 रुपया दे के हंसुली ले गल। आ जब हंसुली ले गल तो बड़की बहनिया भैया के पकड़ के रोवे लगल कहलस कि भैया एक बात कलस एक ठे तर्ज लिखल गई ले जैन सुनिला की सासुरे में सुनिला की सासुरे में झुर झुर मोती धरे झुर झुर मोती धरे मोरा लेखे मोरा लेखे मोरा लेखे सतुआ सा पनवाई बाबूजी हो ए भैया बहन कह रही है अपने भाई को पकड़ के घरवा बनाई बाकी लैकन जी आई बा हो जनिकारा 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 शादिया मारो पीरानवा जनिकारा शादी मारो पी जनिकारा मारो पी मारो पीरानवा हो जनिकारा शादी हमार भाभी लुगरी में चकती लगा लगा के सीसी के जोड़ जोड़ के दिन बितावत थी रात बितावत थी। हमार दूठे भतीजा बिना खाए बिना पिए स्कूले चल जाते हुए एक काम भैया हमार चिंता तो छोड़ दा हमहू संकल्प लेते आज से यही दिन जिनेगी आके भार ना सहाई
माता लाभ देव जनवा गवाई जनवा कुआं तालाब शादी न कर पैया शादी न कर पैबा लेकिन इतना तो जरूर कह सकत हुआ भैया जहिया ले संभारल बनी संभारब यही का चिंता न है कि बहिन मांस का मोटरी है इज्जत का गठरी है आज नहीं कल कहीं गोड़े कर खाले ऊंचे हो जाई हमरे खानदान का सम्मान चल जाई तो इस सम्मान बचाई ढोए के रखब जब समझ लेब कि अब ना ढोए पाई तो कुआं में तालाब में कहीं भी अपन जान दे दे एक ठे काम कर दिया भैया अरे दे दिया भैया हमके गज भर का फानिया हो गज भर का फानिया हो दे दिया भैया हमके गज भर का फानिया हो डोलिया के डोलिया के डोलिया के पानी के का हार हो बीरा नवा हो डोलिया के पानी हार हो बी डोलिया के हार हो बीरा नवा डोलिया के बस भैया इतना तक कह सकत हुआ अरे डोली में हम ना जाइब लेकिन अर्थी सजी एक ठे गमछा अपन ओढ़ा देबा अपने कंधे पर लगा लेबा हमके शांति मिल जाई हमके सुख मिल जाई हमके सुकून मिल जाई भाई बहन के अखबार में दबा के रोए लगल बिरहा में कभी जी भाव देलन अरे खुदा की भी खुदाई हिल गई खुदा की भी खुदाई हिल गई अरे खुदा की भी खुदाई हिल गई जख्म दिया हंस करके छोटा भाई एहर मौज मस्ती के कोनो प्रकार का कमिए ना बा छोटका के बड़का भैया आखिरकार ना ही मनले अपन आबरू संभारे बदे गरीबी में गरीब के घर दिया सगाई मोहन कर बहिन का सगाई कही देले बहिन अपने ससुरे चल गई एहर एजी ऑफिस में सोहन बना अकाउंट का अफसर छोटी बहन की किया है शादी भाई सेना मिली नजर हीरो होंडा कलर टीवी दहेज दिया ना किया कसर भैया बड़का गरीबी में गरीब परिवार का लड़का देख के हाथ बांध धरा देले बहिन अपने ससुरे चल गई और छोटका भाई अपने बहिन छोटकी बहनिया बदे बढ़िया परिवार का लड़का खोजले दान दहेज जितना बढ़िया हो सकल देले लोग देखत हुए लेकिन दुख है बात कहा कि बड़का भैया न्योता देले तो स्वीकार ना कैले बड़की बहनिया के सदिया में बड़का भैया न्योता देले तो स्वीकार ना कैले छोटका भाई आ छोटका भाई जब छोटकी बहन का शादी कैले तो बड़का भाई के याद ना कैले बड़ा दूरी हो गई हो भैया बहुत दूरी हो गई वही बीच में मोहन अब तक मेहनत मजदूरी करते करते शरीर में भी थकान हो गई शरीर में थकान हो गई तबीयत खराब भइल मोहन का दुल्हन हॉस्पिटल लेकर के जाती है हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर बताए कि टीबी की शुरुआत है अगर दवा शुरू होगी तो अच्छा हो जाएंगे उसके लिए अपने पति को देख करके देखें रोने लगी उसी हॉस्पिटल में रोती है और कहती है कहती क्या है जैसन बिरहा वैसन भाव पति का सूरत देख रोवे गुजरिया पति का सूरत देख रोवे गुजरिया
आगे पीछे कोई ना दे खाय हो। भाई के देखे नहीं अइले बीरनवा छोटका, भाई के देखे नहीं अइले बीरनवा छोटका, पापिन धल जादू आचा लाय हो। भाई के देखे पापिन धल जादू आखिरकार एडमिट हो गए वही रास्ता से जिले पर ड्यूटी करे बदे। सोहन भाई जाता है आता है लेकिन एक दिन भी भाई को हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं गया। और यहाँ गांव पुरजे ही तैसी बात मोहन के देखे जात है आवत हो। खबर मिलल बहिनिया के, आ जब बहिनिया के खबर मिलल जोन मोहन के पाले बा, अपने ससुरे से अपने आदमी से कहलस आय है कर्जा लिया के अपने भैया का दवाई करतिया। दोनों प्राणी भागल अल। आखिरकार मोहन का बहनोय कहल छोट है भैया छोट है, घर द्वार कुल बेच देबे, चिंता मत करिया तुहार दवाई कराई, जबले तू ठीक ना होबा तब तक हमहू के सब्र ना हो, हम बैठब ना भैया। आय है पैसा लिया लिया के कर्जा काड़ काड़ के दवाई करत हुए। आखिरकार मोहन भैया ठीक हो गए। लेकिन जहिया मोहन भैया के हॉस्पिटल से छुट्टी होती है वह दिन हझोरा झक्कर लेके बहिनिया और मोहन और मोहन का दुल्हन घरे आवत हुए। आ जब घरे आवत हुए तो घरवा का देखत हुए यार सोहन के घरे की तरफ देखल तो बहुत बड़ा टेंट लगल बा, बिजली व्यवस्था बनल बा और उजैन होत का बा तर्ज लगल। अरे हमारे बलमू हमारे बलमू रात का है नयला, देखत हुए मोहन कि बजल बजना बजल बजना अंगना सोहन के भैया, अंगना सोहन के भैया। अरे कथा कहावे बटवावे मिठैया, बजल बजना अंगना सोहन के भैया, अंगना सोहन के भैया। हाय 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 सोहन के दरवाजे सोहन के पल्ले एक को बाल बच्चा बहिना। कुछ लोग कहलन की कथा वर्ता करा के कम से कम कुछ पर प्रसादी बांटा। बहुत बड़ा जलसा बहुत बड़ा जलसा दरवाजे पर हित में जुटल हुए गांवपुर के लोग। गांवपुर के लोग खाना खाते हुए पानी पियत हुए। आ जब दुआरे पहुंचले मोहन भैया हो देखत हुए कि दोनों बच्चा हमारे दुआरी में बैठल हुए। दवर के धैले बाप के कोनो माई के आई है रो के कहल कि पापा चचा के दुआरे बड़ा मिठाई बटा थी, बड़ा बढ़िया बढ़िया खाना बनल लोग खात हुए, लेकिन चचा हमहन के ना बोलौल है पापा, चचा हमहन के ना बोलौल है। आल बचवा कहत हुए रोय के कहत हुए अकबारी में दबा के एक ठेके मतारी एक ठेके बाप बैठ के रोए लगने और रो करके मोहन ऊपर वाले को कोसता है, अपने नसीब मुकद्दर को कोसता है और एक बात कहता है। कहता क्या है? कि बैठी दुआरिया। आज के पहले एक ठे निर्गुणी गीत शुरू कैले जोन एक मिसाल बन गई। हर कलाकार अपनौले लेकिन अपन तारीफ अपने ना, केहू का धुन केहू के मुंह से अच्छा लग जाले तो केहू गा सकत है। बड़ा लोग कोशिश कैले
अपन अपन भाव से अदायगी से गौले, लेकिन यह चीज गौली कि केकरा ही रोवले गंगा जी पर ही आईले, अरे केकरा ही रोवले जामुनवा हो, के हीरो भेला पर हो मासन। बड़ा सवाल हो, बड़ा जवाब हो, ये बात अपने जगह पर रहल, लेकिन अपने बच्चन के रोते हुए उदास देख के मोहन एक बात कहलें कि बैठी दुआरिया पर हरे रोवला पिराना, अब माई बाबू वही दिल याद हो, एक हीरे पाजिया के दूनो सुमानावा, दूनो कै अलग बामुराद हो। सोच रहा है, रो रहा है, यही कह रहा है कि बाह मालिक बाह, एक ही बाग के हम दोनों फूल हैं, एक ही गोद से दोनों भाई पैदा हैं, दोनों बहन पैदा हैं, लेकिन बाह रे मालिक गजब का तूने नसीब लिखा, एक का और दूसरे का क्या लिखा, ये का बहिनिया, अरे हम तो भिखारी है ये है, लेकिन ये का बहिनिया बनल बटुआरिया, एक चखत बारी स्वाद, अरे कहे नहीं जन्मत दबा दिहलु नटैया, होतन भिखारी आवा लाद, मालिक हमरे नसीब में त्याग लगी गई, लेकिन हमार बहिनिया ई कितना दोषी हो कि हमरे साथे साथे इहो सजा भुगततिया। ऊपर वाले से हाथ उठा करके निवेदन करता है, भीख मांगता है, कैसी भीख मांगता है कि हमारे घर वाम प्रभु अगिया लगवतम, अरे जरी के हो जाई दिया जाग हो, अगिया जरी के हो जाई दी, हमारे पीरानवा के धन दौलतिया, हमारे पीरानवा के धन दौलतिया, दे द प्रभु एक हवा लाद। बड़ा दुखित रहला भगवान, बड़ा दुखित रहला हमार छोट भाई, हमार बात छोड़ दा, हमके जले द मालिक, जले द इतने ना, हो सके तो हमरे ऊपर चक्र गिरा दा, हम मर जाई पूरा परिवार सहित, हमार भी धन दौलत हिस्से के हमरे छोटे भाई के देदा। एक ठे निवेदन करत है कि ओकरे पल्ले को बाल बच्चा ना हो, एक ठे बेटा देदा मालिक, एक ठे बेटा देदा, ताकि उत्तराधिकारी के बनी, प्रभु के बनी। बाहरे भाई एक और खान पान होता, सारे लोग चहल पहल में, हित मीत नात सारे लोग जुटल हुए, आइए कुर भाई के सुनले, कुछ लोग हमदर्दी जताओ वाले अल देख भाई हॉस्पिटल से, सोहन अल सारी मोहन अल हॉस्पिटल से मोहन अल, लेकिन भाई को पता चला, भाई सुना
लेकिन इतना तक नहीं किया कि कम से कम भैया के ही बहाने देख ले और चल के कह दे कि भैया आ गईला बीमार हुआ, चल के हमरे दुआरे खाना खाला पानी पीला। देख है दोनों बच्चन के वह दिन जो कुछ लिया लो सर समोसा बाजार से वह खिया पिया के सुता दिले घर में हये का बा। अच्छा तो ठीक हो गईले, फिर मेहनत मजदूरी करे लगले। लेकिन भैया हो लोग बतावला कि समय चक्र हमेशा घूमत रहला, समय चक्र केहू के कबहू भारी बनावला तो केहू के हल्का बनावला। ये जन समय चक्र देखे अपन सुई घुमा देला। अरे सुखी के बाद दुख का विपत्तिया दुनिया जान ले, जैसे दिनवा के बाद होला रतिया दुनिया जान ले। आय हाय वही बीच में एकाद महीना बीतल सोहन के बीबी का तबियत खराब भइल, फोर व्हीलर कैले हॉस्पिटल का तैयारी कैले हॉस्पिटल ले जात हुए, का चीज का दिक्कत है। लेकिन बाहर मालिक अरे हुआ एक्सीडेंट ही औरत हो गई बेहाल, हम हॉस्पिटल जाते जाते मर गई तत्काल हम। अरे छोटका भैया कै बिगड़ल हालत या छतिया फाटले, खून चाहिए डॉक्टर बोले लबतिया छतिया फाटले। यह समय है कब के कहा खड़ा कर दे, दुल्हन के फोर व्हीलर में लेके चल दिले, अब ही हॉस्पिटल ना पहुंचले छोटका भाई, तबले ब्रेक फेल हो गल, ड्राइवर कूद के गाड़ी से निकल गल और दोनों परानी एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल भइल। दौड़ले लोग अरे तो सोहन हुए इत बड़े बाबू हुए, आए हाय मेरे दोस्त देखें उठा के ले जा तो हॉस्पिटल। जाते जाते पता चला डॉक्टर चेकअप किए कि दुल्हन तो मर चुकी है, सोहन की बीबी मर चुकी है। लेकिन सोहन का पोजीशन का है, डॉक्टर बोले बाहर निकल कर कि भाई सीरियस केस है और इस केस में अगर तत्काल में दो बोतल खून नहीं मिला, यहाँ ब्लड बैंक में खून नहीं है, दो बोतल खून नहीं मिला तो शायद हम भी लाचार हो जाएंगे। अब तक जो संगे गयल है वो धीरे धीरे घिसक लगल कि जे इनके लोग होखे खून दे हमहन से का जरूरत है। डॉक्टर एक बात कहला कि ब्लड बैंक में खून मिला ना बहिनी गईली आई हम, कहे बहिनिया हम बीमार खूनवा देते मर जाई हम। छोटकी बहिनिया आईल खबर गईल हिताई मिताई, लोग कहल कि बहनिया आईल देखें वो का करे ले। जब वो आईल पता चल कि भैया के खून चाहत तो कलस कि हम तो बड़ा कमजोर हैं और हमरे ऊपर ससुरे में बड़ा बोझ है, दो चार खांची तो गोबर फेंक के होला, मेहनत मजदूरी करे के होला। और सर की बात कि हमरे मलिकार सुनी है तो पता नहीं अच्छा कहीं है कि बुरा कहीं है, आए है। लेकिन भैया हो ये बात डॉक्टर साहब सुने तो बोले कि भाई हमसे क्या जरूरत है, हमसे क्या जरूरत है, खून मिलेगा तो ठीक है नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। लेकिन ये बात का चर्चा पूरे इलाके में फैल गई कि खून बहनियों ना देलस या केहू हित मित भी तैयार ना हो और इतना समय है अगर खून ना मिली तो शायद सोहन बड़े बाबू भी ना बची हैं। ई खबर जब बड़का भैया मोहन सुन ले, मोहन के अब कहा बर्दाश्त होख है, देखबा हो भैया होत का हो। अरे जेकर कोई नहीं होला जग में सहारा भैया, जेकर कोई नहीं ओकर सहारा खुदा
भोले भगवान आवा से पिलरिया कैसे प्रभु जी पचावल सुनला ठुकुराय कुर पद कमिश ठान आ हा यही के लोग कहला कि जा को राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए अच्छाई के अच्छाई मिले ले बुराई के बुराई हो अरे बड़का भैया सुन ला छोटकन भैया के खबरिया देखबम भैया के खबरिया औरत के साथे गए हस पीटल बहाए जब पता चला मोहन को और मोहन के औरत को कहां बर्दाश्त होखे हो भैया दोनों परानी दौड़ले कौनो साधन कहके आ जब हॉस्पिटल पर गईले अरे हमार भैया कहां हुए हमार भैया कहां हुए लोग इशारा कहले कि वह बेड पर हुए आ जब बेड पर पोजीशन देखले आंख मुनाई लिया डॉक्टर साहब के बोलोले कहले साहब अरे कैसे कहई कैसे होई गईले हो बिरानवा हमरे गईले हो बिरानवा कहई कैसे जितना खून चाही लेला डॉक्टर गुड़ भाल एक बोतल खून वापी रनवा के देहल देखबम कमजोरी में औरत का राव जल पान भैया हो मोहन भैया कहले डॉक्टर साहब एक बोतल के बात करत हुआ दो बोतल के बात करत हुआ अरे हमरे शरीर में ठोप ठोप खून जहां भी होके निकाल ला भैया हमरे भाई के बचाला डॉक्टर बाबू हमरे भाई के बचाला कहला कि भाई हो आए है बगल में बेड लगाए उस बेड पर मोहन को बगल वाले बेड पर सोहन को सिरेंज लगा करके खून निकालने लगे भैया हो कमजोरी रहल ना खून निकला था और भाई मुरझा था शरीर में दम ना बा लेकिन हिम्मत हौसला कितना बुलंद हो भाई के प्रति डॉक्टर साहब एक एक बूंद खून निकालला लेकिन हमरे भाई का कुछ होखे के ना चाहिए डॉक्टर साहब कुछ होखे के ना चाहिए भैया हो निकालत में खून एक कई बोतल खून चढ़े चढ़े में भाई का आँख खुले लगल डॉक्टर साहब कहला कि डबल बोतल की जरूरत नहीं अब हम बचा लेंगे अब केस जो है खतरे से बाहर है लेकिन बाबू हो भाई वही जन बैठल हुए अपने भाई के निहारत हुए हमार भैया हम जाइब ना और खून चाहिए तो हम देबे लेकिन हम जाइब ना तब तक भाई सोहन होश में आ गया आज जब भरपूर होश में आ गया इधर उधर ताकता है एक बात कहता है कहता क्या है अरे होशवा में सोहन जब खोलल नया नया होशवा में सोहन जब खोलल नया नया के देखे खुनवा बचावल परान आज जब सोहन की नजर खुली है लोगों को देखा तो इशारा करता है कि के दहलस खून हमार जान के बचौलस लोग इशारा कैले कि दूसर कोई ना ये सोहन दूसर कोई ना तुहार बड़का भैया सोहन देखा हो बेड पर बैठल हुए अरे भैया का नाम जब सुने सोहन भैया
अरे भैया का नामवा जब सुने सोहन भैया कि भैया भैया कहीं गिर गई ले भरा भैया भैया कहीं लोग बताए कि सोहन भैया खून देला एक बार घूम के जब तकलस सोहन भैया के देखलस अब ममता धधाइल अपने किए पर पश्चाताप किया खलस कि भैया अरे हम तोहके हमेशा सतौली तू खून दे के हमार जान बचौला कैसे हम तोहरे सामने मुंह दिखाई भो भैया बेड से उठ के सोचा कि पैर पकड़ लूं और तब तक जितना टाँका रहल आय है टूट गल जो उन खून अंदर रहल वो बहरे हो गल और वही अखबार में दबा करके मोहन भैया रो के एक ठे बात कहलक कहलक का अरे गोदिया में लिहलन गोदिया में लिहलन उठाई बिरना अरे तनी ताकि नजरिया घुमाई बिरना अखबारी में मोहन दबौले वन नारे भैया ना अरे हम जिंदा है रे जितना खून चाहिए हम देबे भैया लेकिन एक बार आँख खोल के हमरे तरफ देख दे भैया हमरे तरफ देख दे आँख खुलल जरूर एक क्षण के लिए आँख खुलल सोहन की तरफ मोहन तकले और ताक के एक ठे बात कहले ई अखिया उठा के कहे माफ कर भाई करनी तुहार हम कैसे कह भुलाई अरे तुहरा के बहुत सताई बिरना तनी ताकिदा नजरिया घुमाई बिरना भैया पग पग पर तोहके हम सतवली तोके ठोकर मरली तू खून दे के हमार जान बचावत हुआ एक बात सुना अब समय हमार खत्म है अब समय हमार खत्म है हमरे बदे बेटवा के भीख मांगत रहला अब हम तोहरे बदे एगो संकेत करत है कैसे कि हमरे पले समय ना हो कि तोहरे नाम में बाटी मोर धन दौलतिया इतना कहत बिरना का बंद भईली आँखिया फल गैली पाई बिरना अतनी ताकिदा नजरिया घुमाई बिरना आखिरकार अपने करनी का फल अपने कर्म किए कर्म पर पश्चाताप करके छोटा भाई अपने दम को तोड़ देता है भाई के बाह में ए रहा भाई भाई के प्रति स्नेह एक भाई का भाई के प्रति प्यार और एक भाई का उस भाई के प्रति कैसा द्वेष मेरे दोस्तों मेरे नौजवान साथियों मेरी माताओं मेरी बहनें आपको सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा बेटी के विषय में भी और बेटा के विषय में भी कभी हम बच्चे हैं कभी जवान होते हैं कभी बुढ़ाते हैं लेकिन हमारा कर्म इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए गुरु बिहारी गुरु गणेश कह खत्म हुआ दस्तान विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम अरे खुदा की भी खुदाई हिल गई तेजू धनेश गावे माँ के सी झुकाई खुदा की भी खुदाई